नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी देर पहले मैं भी ठीक थी लेकिन अब ठीक नहीं हूँ, और उसकी वजह जो है मैं आपको अभी बताने वाली हूँ क्यों ठीक नहीं हूँ। मैं इतनी मुश्किल से आज घर से निकली, मैंने कहा बड़ी मुश्किल से बारिश रुकी है, चलो बाहर जाकर बिल भर रहा हूँ, गैस का बिल भरना था तो वो भरने के लिए जो बाहर आए हैं, मैंने कहा चलो अब थोड़ा सा घूम फिर लेते हैं, बारिश तो थमी हुई है, मौसम को इंजॉय कर लेते हैं। लेकिन मौसम इंजॉय करने के चक्करों में देख लिया मैंने कितनी बड़ी गलती की, बहुत बड़ी बड़ी गलती की है। हम लोग भी मौसम इंजॉय कर रहे थे, ऊपर से आ गई बारिश, वो भी बहुत जोर की, और इतनी जोर की बारिश आई है कि अब मैं आपको दिखाऊंगी है ना तो आप कुछ हो पाओगे कि इतनी बारिश में इस पागल को बाहर निकलने का बोला किसने था। तो बोला मुझे किसी ने नहीं था, मैंने खुद ही मैं बाहर आई हूँ तो आपको जो है बारिश बाहर का जो है मंजर दिखाती हूँ कि बारिश किस तरह से हो रही है। और हम लोग इस टाइम यहाँ पे फंसे हुए हैं, हम रस्ते में हैं, घर पहुँचे नहीं हैं, तो आप लोग हमारे साथ साथ रहें और देखें। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़्यादा से सब्सक्राइब करना, यार क्या लगता है आप लोगों को फ्री में सब्सक्राइब करना होता है ना। तो चले व्यूअर्स आपको बारिश भी खा, तो व्यूअर्स ये देखें जी हम लोग जो है घर से बाहर आ तो गए हैं लेकिन अब घर वापस जाना इतना मुश्किल हो गया है कि पूछे ना जी। ये बागी हुसैन चौक है मुल्तान का, जहाँ पर ज़ोरों शोर से बारिश का सिलसिला जारी है, और आप देख सकते हैं कि सड़कें जो हैं दरिया बनती जा रही हैं, सड़कों के ऊपर पानी जमा होता जा रहा है, और बहुत मुश्किल से जो है अब हम लोग घर पहुँचेंगे। बारिश रुक नहीं रही और काफ़ी देर से हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और वो देखें जी पापा भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे तो हमें ये पेंट शॉप नज़र आ गई, और आप लोगों को तो पता है मैं खुद एक पेंटर हूँ, तो पेंट की शॉप जब देखी तो मुझे ये जानते थे तो वो कहते कि आप थोड़ी देर के लिए जो है यहाँ पर रुक जाओ, जब तक बारिश रुक नहीं जाती। तो फिर हम लोग यहाँ पर थोड़ी देर रुके हुए हैं, और साथ साथ व्यूअर्स वो आपको सामने आम नज़र आ रहे होंगे जिनको देखकर मेरी नीयत बड़ी ख़राब हो रही है। आपको तो पता मुझे आम बहुत पसंद है, तो फिर जी उन आमों को देख के मैं बार बार गौर से घूर रही हूँ ताकि वो जो है ना उड़ के मेरे पास आ जाए। वैसे मैं कोई भी बड़ी जादूगर तो नहीं हूँ जो मेरे कहने पर आमों ने इधर आ जाना है। और यहाँ इधर जो है जी यहाँ पर ये देखें जी मुर्गियों की शॉप है, देख लें जी सारा मामला देख लें, अब कैसे घर जाएंगे हम। तो बस ये देखो जी कैसे दोनों शोर से बारिश हो रही है, घर जाना मुश्किल हो गया। घर पे जब जाना है अम्मी ने बहुत डांटना है हमें, पता है कितना डांटना है। और ये देखें अब वो भी यहाँ पे खड़े हैं बातें कर रहे हैं कि पेंट वालों ने हमें पहचान लिया था, अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो लोग मेरे चैनल भी देख रहे हैं, वो लोग तो सब्सक्राइब कर रहे हैं, आप लोग भी सब्सक्राइब कर लिया करो याद से। अभी हम लोगों ने घर जाना है, दुआ करें सारे जने मिल के कि थोड़ी देर के लिए बारिश रुक जाए। और मुल्तान में ऐसी सिलसिलावार बारिशें जो है वो तो होती ही जा रही है ना, मतलब कि थोड़ी देर के लिए रुकती है बारिश फिर सुबह शुरू हो जाती है। अभी सुबह से जो है तकरीबन 4 दफ़ा बारिश हो चुकी है और ये 5वीं दफ़ा है, और बारिश होती भी अचानक से बहुत तेज़ है। तो अभी हम लोग जो है घर जाएंगे, घर जाके चाय पियेंगे क्योंकि मैं मुकम्मल तौर पे भीग चुकी, मेरा दुपट्टा भी गीला हो चुका है, मेरे बाल भी गीले हो चुके हैं, और देखिए मैंने अपने पर्स के साथ क्या किया हुआ। वो कहते हैं देसी जुगाड़, मैंने अपना पर्स जो है वो शॉपर में डाल लिया, मैंने कहा ऐसा जुगाड़ लगाते हैं जरा पर्स जो है ना उसको शॉपर में रख लेते हैं। और बाहर देखें जी बच्चे बड़े खुश हो रहे हैं बारिश को देखिए। वैसे तो मुझे बारिश बहुत ज़्यादा पसंद है, बारिश इतनी ज़्यादा पसंद है मेरा दिल कर रहा है मैं बाहर जाकर जो है अब बारिश में ही ट्रैवल करूँ, लेकिन है ना बात यह फिर हमारे कपड़े और हमारी चीज़ें जो है वो भीग जाएंगी, इसी वजह से अंदर हैं। अभी जो है हम घर जाने की तैयारी करते हैं, बारिश तो अभी रुक नहीं रही, कैसे बारिश रुकेगी हम जो है घर को रवाना हो जाएंगे और साथ साथ अपना पूरा सफ़र आप लोगों को दिखाएंगे। ठीक हो गया ना बीबस, सभी लोग मिलकर दुआ करो, आप वो भी बढ़िया चाहतियाँ शादियाँ मार रहे हैं तो घर का जी। तो बस अभी जो है कुछ बारिश रुक चुकी है तो हम जो है घर जाने लगे हैं, तो देखते हैं कि आगे क्या बनता है हमारे साथ। वैसे तो हमारा बुरा हाल ही बनता है जब भी बनता है। मेरे पापा ने बाइक यहाँ पे खड़ी की हुई थी और बाइक हमारी जो है पूरी तरह से भीग चुकी है, और ये देखें जी उनके टायर शायर जो है यहाँ पे आगे गिरे पता नहीं कैसे हुआ है। चले वो पापा ने टायर उठा लिए लेके जा रहे हैं क्या ये क्या हो रहा है, नमी वाली गड्डी ले आके आए हैं। चले विवाद अभी घर चलते हैं और आपको साथ साथ जो है दिखाते जाते। तो भी बस ये देखें जी यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत सा ये होटल बन रहा था, तो मैंने कहा इसकी भी वीडियो बनाते हैं, कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह, मैरिज हॉल है, अच्छा अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। तो यहाँ से ये प्लॉट वगैरह हैं
और हम फिर से जो है नदी में डूबने वाले हैं। ये देख रहे साथ साथ ये यहाँ का माहौल है, ट्रैफिक देखो और रोड पे जो है पानी देखो किस तरह से कर पापा जी गिरा ना देखो। पापा जी आगे आगे गाड़ी चला रहे हैं और ये नहर है, हम यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं। कुत्ते आज तो लगता है मुझे गिरा के छोड़ेंगे नहर वाली। ये देखें जी बाज़ार का भी बुरा हाल हुआ पड़ा है, बाज़ार में भी जो है पानी भरा हुआ है हर तरफ और सभी जगह जो है पानी की वजह से जो है खाना ख़राब हो चुका है। और ये मैंगो फिर से मेरे सामने आ गया और इनकी खुशबू इतनी प्यारी है ना पूछें बस। ये देखें जी बाज़ार, और बाज़ार जो है वो भी बंद हो चुका है इसकी वजह से, बारिश की वजह से काफ़ी लोग परेशान हैं। ये देखिए जी कितनी प्यारी प्यारी भेड़ हैं यहाँ पे, कितनी सारी हैं। ओ ये तो बड़ी मैली हुई पड़ी है, इनको नहलाने वाली हूँ जी। तो व्यूअर्स अभी जो है हम ये पुल नहर वाला जो है इसको क्रॉस करने लगे। ये वही वाला पुल है वो जिसको कहते हैं ना सानू नहर वाले पुल से बुला के, तो खरे माही कितने रह गया। तो ये वही वाला पुल है जो तुम हूँ हमने दिखाया है। तो आखो जी साड़ी सोहनी सोहनी नहर जिदा कि लोगों ने सत्यानाश मारिया हो, लुकी भी गंद कूड़ा सारा ही जरा नहर के सुट देंगे ने, नहर की पूरी खूबसूरती खराब कर देंगे ने। फिर भी असं नहर के नाल तुरते जा रहे हैं, तुरते जा रहे हैं, तुरते जा रहे हैं। तो आखो जी अगे अगे तुरद जी साढ़े घर में राह मुड़ता है। तो वेखो जी साढ़े घर का इलाका यदा की हशर होया पे, तो इतने किस तरह गलियां जड़िया ने गारा होया पे, चिक्कड़ होया पे। तो मैं अबू ने कह रही हूँ पापा जी जरा ध्यान न गली चलाओ कि मैनू ही ना सुट दियो अगे। एक बार सामने एवं का वाकया होया सी, मैं क्या पापा हूं ना दोबारा हो गए मैं डिग जाऊँगी, मेरे सट सुट लग जाऊगी। तो फिर इस करके जड़ा है ना असं बड़े आराम आराम ना जा रहे हैं। तो आ वेखो जी ए प्लाटा के पानी जमा होया पे, प्लाटा के जड़ा नहर बनिया हुई ने छोटिया छोटिया। तो आ वेखो जी बुरा हशर होया पे, बुरा हाल। तो फोंके दिहाड़े जिन्होंने कहा जाता है वह हाल होया पे। तो निके निके बच्चे इतने छपड़िया के आई थिंक नहाने आए हुए ने। तो नाल नाल जी हूँ देखो जी हूँ साढ़ा घर आ गया, तो असं अपने घर वाल मुड़ रहे हैं। साढ़े घर के आले दुआले भी बुरा हाल ही होया पे। तो फाइनली व्यूअर्स हम लोग जो है घर पहुंच चुके हैं और दरवाज़ा खुलने लगा है। ये देखो कौन है दरवाज़ा खोलने वाला, दरवाज़ा खोलने वाला छुप गया है, असल में वो जिन भूत बन गया इस वजह से छुप गया। और शुक्र अल्लाह का के घर पहुंचे हैं। ये देखें जी हम घर आ गए, बस हम लोग घर पहुंच चुके हैं और घर आ गए हैं। तो अभी जो है शुक्र अदा कर रहे हैं। बाकी आप लोगों को आज का हमने अपना ब्लॉग दिखाया कि हम लोग किस तरह से मुश्किल में फंस गए थे और मुल्तान में बारिशों ने क्या हाल कर दिया है, सड़कों का हाल भी दिखाया, अपनी जो है बिस्तरी सी बातें भी सुनाई। तो उम्मीद करती हूँ जी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, कर दो, मैं कर कोई पैसे मंगे हूँ कर भी दो लाइक। चलो छेती ना लाइक करो फिर मैं वीडियो एंड करन लगी हूँ, वीडियो नू लाइक कर दो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो च, उदों तक अपना बहुत सारा ख्याल रखियो। अल्लाह हाफिज़।